हमारी गठबंधन की सरकार है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार चल रही है। हमारी सरकार बहुत स्मूथ ढंग से चल रही है, आगे भी इसी प्रकार से चलती रहेगी। और ये तो स्वाभाविक है, हर राजनेता लोगों की भलाई के लिए काम करता है, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि हम नसीबपुर की लड़ाई नहीं लड़ते रहेंगे, पानीपत की भी लड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम अहिरवाल क्षेत्र से बाहर निकल कर भी लोगों की सेवा करने में पीछे नहीं रहे। अहिरवाल बेल्ट की बात करूं, वहां पर भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, अब तो उनकी सक्रियता एकाएक बढ़ना और राव इंद्रजीत की राजनीतिक रैलियां लगातार होना, इसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? राव इंद्रजीत सिंह ने कोई लगातार रैलियां नहीं की है। उन्होंने 23 सितंबर जो शहीद दिवस होता है वो हर साल मनाते हैं, मनाया जाता है, और उन्होंने बस वो एक रैली की। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है, मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा सरकार के मनोहर पार्ट टू के 2 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर कहा जाए मनोहर पार्ट वन और पार्ट टू तो उनके 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस वक्त हरियाणा सरकार में मंत्री ओपी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे, इनके विभाग के बारे में भी पूछेंगे और उसके अलावा विपक्ष के बारे में भी इनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। धन्यवाद। सबसे पहले यादव साहब, मैं ये जानकारी लेनी चाहूँगा कि 2 साल बतौर मंत्री आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आप कितने सेटिस्फाइड हैं और कौन कौन से काम प्रमुखता से किए? मैं इस 2 साल के कार्यकाल से पूर्णतया संतुष्ट हूँ, और हमें जो दायित्व तो मिला हुआ है इसके अंदर हमने अनेक प्रकार के सुधार किए हैं, विशेषकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में हमने सारे सिस्टम को एक रूप देने की कोशिश की है, ऑनलाइन करने का सिस्टम बनाया है, और लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, घूमना ना पड़े। जो पेंशन के लिए लोग अप्लाई करते हैं उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिस्टम हमने चलाया ताकि लोग, और सारी सुविधाएं दी हैं लोगों। मंत्री जी, अगर चर्चा की जाए हरियाणा में इस वक्त कितने प्रकार की पेंशन्स आपका डिपार्टमेंट दे रहा है? हम 14-15 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर पेंशन दे रहे हैं। कौन कौन से ऐसे प्रमुख हैं, जैसे बुजुर्ग पेंशन है, वृद्ध अवस्था के जिसे कहा जाता है, उसके अलावा विधवा पेंशन है, और पेंशन प्रमुख रूप से कितना बजट इसमें लगता होगा अप्रोक्सीमेटली? हम जो टोटल पेंशन दे रहे हैं इनके अंदर 700 करोड़ से ऊपर सालाना सरकार को खर्चा आता है, और जैसे बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग की पेंशन है, विधवा की पेंशन है, लाडली की पेंशन है, या अनेक प्रकार की सुविधाएं हम दे रहे हैं। मंत्री जी, अगर चर्चा की जाए, क्योंकि पिछले दिनों सरकार पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र भी योजना शुरू की, उसके बाद जो ये पेंशन हैं, चाहे वो परिवार की वृद्धावस्था पेंशन हो या दूसरी विधवा पेंशन हो, इनमें किस प्रकार से चीज़ें नजर आई जो अनियमितताएँ हैं? परिवार पहचान पत्र हमने बनाने की योजना बनाई है, और ये परिवार पहचान पत्र बनने के बाद ये सारी स्कीमें हमारे महकमे की और दूसरे महकमों से भी, एक बेनिफिशरी जो भी स्कीमों का लाभ सरकार से उठाना चाहता है उन सब स्कीमों को हम परिवार पहचान पत्र से जोड़ेंगे, और हमारे महकमे के लिए विशेष रूप से जैसे 60 साल से ऊपर वाले को, वृद्ध को पेंशन लेनी होती है, ये परिवार पहचान पत्र से जुड़ने के बाद किसी बेनिफिशरी को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही परिवार पहचान पत्र में उनकी 60 साल पूरी होगी, सरकार उसकी पेंशन लागू कर देगी। तो इसी प्रकार से जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं उन सबको इसे जोड़ दिया जाएगा, और समय समय पर जब भी उसका हक बनेगा उसको लाभ मिलेगा। मंत्री जी, जिस प्रकार से हर चीज़ में कोई ना कोई क्राइटेरिया फिक्स होता है, इसके लिए इन पेंशन्स के लिए क्राइटेरिया फाइनेंशियल अगर देखा जाए, वित्तीय देखा जाए, उस क्राइटेरिया का प्रारूप क्या रहेगा? ओल्ड एज पेंशन, विकलांग पेंशन,
ये जो भी पेंशन है इनके अंदर 2 लाख रुपए सालाना इनकम की लिमिट है। जिनके 2 लाख रुपए से कम की इनकम है ये लाभ उन्हीं लोगों को मिलता है, और 2 से ऊपर है उनको नहीं देना होता। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षा योजना काफ़ी है, परिवार पहचान पत्र। अब इसमें इनकम सारी हर आदमी की क्लियर हो रही है कि उनकी परिवार की इनकम क्या है, तो ऐसी स्थिति में ये जिनकी ज़्यादा, जो लोग ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इनमें भी कहीं कांट छांट होगी, कहीं इनका भी सर्वे किया जाएगा? देखिए, परिवार पहचान पत्र में इनकम हर बेनिफिशरी द्वारा खुद अपनी डिक्लेयर की हुई इनकम है, और अधिकारी कर्मचारी उसको वेरीफाई भी करते हैं। अगर किसी की इससे ऊपर इनकम मिलेगी तो वो इसका लाभ लेने का हकदार नहीं रहेगा। HIV और कैंसर, इनके लिए भी आपने योजना बनाई थी कि इनको भी पेंशन दी जाएगी, वो प्रोजेक्ट कितना सिरे चढ़ा, उसमें क्या अड़चन आ रही है? HIV पॉजिटिव और कैंसर, और हम एक दो और ऐसी जानलेवा जो बीमारियां हैं उनको भी उसमें शामिल करने जा रहे हैं कि उनको हम पेंशन देंगे, उम्र उनकी चाहे कुछ भी हो। कैंसर वालों के लिए हमने हेल्थ विभाग से डेटा मांग रखे है, और चूँकि पिछला साल 1.5 साल हमारा कोरोना के अंदर निकल गया, और उस कोरोना की वजह से हेल्थ विभाग शायद हमें वो डेटा उपलब्ध नहीं करा पाया है। जैसे वो डेटा उपलब्ध हो जाएगा हम इन सब लोगों को पेंशन देंगे। मंत्री जी, आप राजनीतिक रूप से 2-4 चीज़ें आपसे जानकारी, जिस प्रकार से बीजेपी JJP का गठबंधन है, पिछली बार बीजेपी अकेले अपने दम पर थी, गठबंधन में राज चलाने का अनुभव कैसा रहा? हमारी गठबंधन की सरकार है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार चल रही है। हमारी सरकार बहुत स्मूथ ढंग से चल रही है और आगे भी इसी प्रकार से चलती रहेगी। हम दोनों पार्टियां मिलकर हरियाणा प्रदेश में सरकार चलाएं। अहिरवाल बेल्ट की बात करूंगा, जहां से आप संबंधित हैं, जहां से आपका नाता है। अहिरवाल बेल्ट में बड़े कद के नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने कहा है कि अब उनका संघर्ष पानीपत से शुरू होगा। इसका अर्थ राजनीतिक रूप से क्या निकाला जा सकता है, क्योंकि उस मंच पर आप भी थे? उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका पानीपत से शुरू होगा, उन्होंने कहा कि हम लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की बेखूबी के लिए लड़ाई लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे, और ये तो स्वाभाविक है। हर राजनेता लोगों की भलाई के लिए काम करता है और उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि हम नसीबपुर की लड़ाई नहीं लड़ते रहेंगे, पानीपत की भी लड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम अहिरवाल क्षेत्र से बाहर निकल कर भी लोगों की सेवा करने में पीछे नहीं रहेंगे। अहिरवाल बेल्ट की बात करूँ, वहाँ पर भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, अब तो उनकी सक्रियता एकाएक बढ़ना और राव इंद्रजीत की राजनीतिक रैलियां लगातार होना, इसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? राव इंद्रजीत सिंह ने कोई लगातार रैलियां नहीं की है। उन्होंने 23 सितंबर जो शहीद दिवस होता है वो हर साल मनाते हैं, मनाया जाता है, और उन्होंने बस वो एक रैली की। अहिरवाल बेल्ट को अगर मैं पूछूं कि पानी की समस्या और अन्य समस्याएं जिनका मुद्दा अतीत में उठता रहा है, वो कहाँ तक पूरा हुआ है? ये बिल्कुल ठीक कहते हो कि दक्षिणी हरियाणा या अहिरवाल का क्षेत्र ये सूखा इलाका है, भूमिगत पानी भी वहाँ बहुत कम है, 1,000-1,500 फीट तक चबा नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में जब से हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार ने नहरों में पानी ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास किया है और दिया है, और आज हम दावे से कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर्स हैं हमने उन सब को टेल किया है। लगातार 3-3 महीने उनके अंदर पानी चलाते हैं हम साल के अंदर, तो आज हमारा किसान पानी, जो नहरी पानी हम दे रहे हैं उससे संतुष्ट है। केंद्र में अहिरवाल बेल्ट से 2-2 मंत्री, हरियाणा सरकार में मंत्री, अहिरवाल बेल्ट, अहिरवाल रेजिमेंट की मांग अभी भी वहीं की वहीं। देखिए, केंद्र का मामला है और
शायद कोई ऐसा कानून भी है कि नई रेजिमेंट बनाने पर कोई पाबंदी है, तो उसके चलते ये बात अटकी हुई है। लेकिन ये मांग बहुत पुरानी है और वाजिब है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ और समर्थन। दो साल अगर चर्चा की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस के नेताओं की, भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, बड़े चेहरे जो हैं, दीपेंद्र हुड्डा, तो विपक्ष की भूमिका से आप कितने सेटिस्फाइड हैं, विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? वैसे तो ये दूसरी पार्टी का मामला है, लेकिन जहाँ तक संबंध है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है प्रदेश में और वो अपनी भूमिका निभा रहा है, उनको लोगों की आवाज़ वो भी उठा रहे हैं। इनेलो भी विपक्षी दल है, उसकी स्थिति कहाँ देखते हैं? वो मुख्य दल नहीं है, मैंने कहा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, बाकी इनेलो छोटा दल है। आज के दिन तो उनका विधानसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। बतौर मंत्री तीसरे वर्ष में आपके प्रमुख काम क्या रहेंगे जो आप जल्दी से जल्दी करना चाहेंगे? हम लोगों की भलाई के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं जिस प्रकार की हम पहले लाए हैं, पिछले 7 साल में जो हमने चलाई है, इस 2 साल में जिनको हमने सिरे चढ़ाया है, इसी प्रकार से ऐसी स्कीमों को आगे लाते रहेंगे, लोगों की भलाई के अंदर कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं हरियाणा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश यादव, इनका कहना है कि लोगों के लिए आवाज़ उठाना, लोगों के मुद्दों को हल करवाना, ये ध्येय राजनीति में होता है। और राव इंद्रजीत ने जो पानीपत की बात की, वो ये कहा कि वहाँ, क्योंकि पानीपत का नाम जब भी आता है तो ऐतिहासिक रूप से 3 लड़ाइयों के रूप में आता है, तो निसंदेह वो संकेतात्मक बात थी और कहीं ना कहीं राजनीति में उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता। और जहाँ तक विभागों की बात है, विभाग जो हैं इनके, उनमें जो जो पेंशन योजनाएँ चल रही हैं उसके बारे में विस्तार से ओम प्रकाश यादव जी ने हमारे से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।